हेलो गाइस, दिस इज मेहुल पटेल एंड वेलकम टू अनदर टेक्नो। सो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट Redmi Note 11 Pro Plus। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं Redmi Note 11 Pro Plus के बारे में, उसके कुछ अननोन फीचर्स के बारे में, उसकी कुछ लुक्स के बारे में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। और मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करना चाहूंगा, यानी कि रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मोबाइल की लुक्स का कुछ तस्वीरें शेयर करना चाहूंगा। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा रिव्यू। सबसे पहले अगर की फीचर्स में बात करें तो 67 वोल्ट का टर्बो चार्ज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 695 5G का यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। ड्यूअल स्पीकर देखने को मिल जाता है। 108 मेगापिक्सल का प्रो ग्रेड मेन कैमरा देखने को मिलता है। इवोल प्रो डिजाइन देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज का सुपर एमओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिलता है। लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। और अगर वर्जन की बात करें तो MIUI 13 का यहाँ पे वर्जन देखने को मिलता है विद 5G के साथ। एंड देन अगर बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5 mAh की यहाँ पे लास्ट बैटरी देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर बात करें उसके चार्जर की, तो यहाँ पे आपको 67 वोल्ट का टर्बो चार्ज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और उसकी बात करें अगर चार्जिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आपको 15 मिनट में 51% तक आपको चार्जिंग करके देगा, तो आपका पूरा दिन चलेगा। उसके बाद 42 मिनट में 100% तक, यानी कि नेक्स्ट 30 मिनट में आपका फुल चार्जिंग हो जाएगा। एंड देन अगर बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का फ्लैगशिप कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। उसकी अगर डिटेलिंग की बात करें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन सेंसर, HM2 सेंसर, लो लाइट परफॉर्मेंस, 9:1 पिक्सल मीनिंग, नॉइस रिडक्शन, ड्यूअल नेटिव iOS का यहाँ पे आता है। ये फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे सारे कैमरा की अलग अलग तस्वीरें हैं जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड देन अगर बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे 1200 निट्स का अल्ट्रा ब्राइटनेस डिस्प्ले यहाँ पे सुपर एमओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एंड देन अगर बात करें उसकी एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट यहाँ पे बटर स्मूथ के साथ देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करें डिस्प्ले के फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको रीडिंग मोड देखने को मिल जाता है 3.0 का, 16.94 सेंटीमीटर का, यानी 6.67 इंच का यहाँ पे सुपर एमओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। सनलाइट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 100% तक वाटर गेमिट DCI P3 देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करें रिफ्रेशिंग की, यानी कि सर्च सैम्पलिंग रेट की, तो यहाँ पे 360 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको टच सैम्पलिंग रेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड देन अगर बात करें डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको ई वॉल्यूम प्रो डिजाइन देखने को मिल जाता है। एंड देन अगर बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 695 का 6nm प्रोसेसर। एंड देन आपको इमर्सिव ऑडियो क्वालिटी वाला ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड देन आपको एक्सटेंडेबल रैम अप टू 11GB तक का रैम बूस्टर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड देन अगर बात करें उसकी वर्जन की, तो यहाँ पे MIUI 13 का वर्जन मिला है, जिसकी अगर फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग, साइड बार, स्मार्ट पावर बैलेंस, प्रोसेसर प्रायोरिटी ऑप्टिमाइजेशन, पर्सनल विडगेट्स ऑप्टिमाइजेशन, फाइल स्टोरेज सिस्टम, सुपर वॉलपेपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड देन अगर बात करें मोबाइल के कलर की, तो यहाँ पे आपको 3 कलर में मोबाइल मिल जाता है। पहला है फैंटम व्हाइट, मिराज ब्लू और तीसरा है स्टीलेट ब्लैक। तो यहाँ पे आपको ये 3 कलर में मोबाइल देखने को मिल जाता है। एंड देन अगर बात करें क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। IP53 फोटो रेजिस्टेंट टेस्टेड देखने को मिलता है। जेड एक्सिस लाइनर वाइब्रेटर मोटर देखने को मिलता है। रबराइज सील्स एंड कोरोजन प्रूफ पार्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 3.5mm का ऑडियो जैक और IR ब्लास्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और लास्ट में ये पूरा मेक इन इंडिया है, तो आप यहाँ पे आप उस पर मोबाइल पे ट्रस्ट कर सकते हो, यानी कि ये मोबाइल हमारे इंडिया में बना है। ऑलराइट, ये तो था मेरा रिव्यू। आपका और मेरा रिव्यू अलग भी हो सकता है, आपका नजरिया मेरा नजरिया से अलग भी हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो कौन सा बेस पे थी, तो ये आपको अगर कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लेना चाहो, तो मोबाइल किस वजह से लेना चाहोगे, आपको मोबाइल अच्छा लगा तो क्यों लगा, आप मुझे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा, तो मिलते हैं हमारे अनदर वीडियो में।